गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 36 इंच सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज का बॉर्डर लेस है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को उल्टा साइड करके अच्छे से बिछा लेंगे। तो कपड़े को हमने उल्टा साइड में बिछा लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई हमारा 13 इंच है, तो हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच ऊपर की साइड मुड्ढे में सिलाई और 1.5 इंच नीचे की साइड तुरपन के लिए। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाकर इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट जैसे कि आपका 36 का है, तो 36 का एक भाग यानी 9 इंच, तो हमें 9 इंच पर इस तरह टिक लगाना है। कपड़ा हमारा 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर शोल्डर देखिए, एक भाग हम 5.5 इंच, 2 पॉइंट और सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह हम 5.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर को 36 चेस्ट के लिए 5.25 इंच पर झुकाएंगे। झुकाने के बाद यहाँ से हम एक कोष्टक बना लेंगे इस तरह। अब बीच के सेंटर से यहाँ पर देखिए 1/4 इंच लेते हुए हम एक अच्छी सी आर्म होल का शेप देंगे। अब यहाँ पर देखिए मुड्ढे की पट्टी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है। गले की गहराई सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें 10 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच 2 पॉइंट हमारा यहाँ नीचे का गहराई है। इस लाइन को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब इस तरह हमारा बन जाएगा गोल गले का शेप। और ये था हमारा फिटिंग वाला निशान। अब नीचे की साइड 1.5 इंच को हम अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपन करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए इस वाली बीच से पट्टी से आप पीछे वाले प्लेट के लिए निशान आराम से लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कटिंग को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी मेरे भाई बहन पहली बार आए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो पीछे पल्ले की कटिंग हो गई है। अब सेम इसी कपड़े को आगे की साइड बढ़ाते हुए हम आगे पल्ले को अच्छे से रख कर सेट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए नीचे की साइड हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। अब बाकी के साइड में भी हमें 1/2 इंच यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और सेम यहाँ पर हमें निशान लगाना है। और जहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी लगती है वहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच मुट्ठे की पट्टी, गले की गहराई सिलाई मार्जिन लेते हुए 6 इंच हम रखेंगे। अब ये हमारा चारों तरफ से निशान लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो 4 टक्स के निशान लगते हैं, तो पहले हम यहाँ पर 36 का एक भाग 9 इंच इस तरह हम निशान लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वीडियो में समझ में आए। तो अब देखिए जैसे कि 36 का एक भाग 9 इंच है, तो 9 इंच पर हमें इंची टेप को इस तरह फोल्ड करना है, तो एक भाग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। यहाँ से देखिए वेस्ट पॉइंट हमारा 10 इंच। अब इस तरह हर टक्स की दूरी हम 2-2 इंच पर लगाएंगे। बहुत ही आसानी से चारों टक्स के निशान यहाँ पर लगकर कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए आर्म होल में 1/2 इंच हमें यहाँ पर डाउन करना है, फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर हमारा आगे का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए बचे हुए कपड़े से हम बाजू को निकालेंगे, तो हम यहाँ पर छोटी बाजू निकालेंगे। तो कपड़ा हमारा इतना बचा हुआ है, कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे।
फिर से हम एक फोल्ड करेंगे तो बंद साइड अपनी तरफ, खुली साइड आगे की तरफ। तो कपड़ा हमारा चार लेयर में हो गया है। अब इसकी हम नाप करेंगे तो 3 इंच की हमें बाजू बनानी है, 2 इंच इसमें भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 इंच। तो 5 इंच पर हम निशान लगा देंगे दोनों साइड से। अब इस लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 2 इंच 2 पॉइंट झुकाव के लिए लेंगे। अब यहाँ से देखिए चेस्ट का एक भाग हमें लेना है, यानी कि 9 इंच। तो इस वाले कॉर्नर से हमें 9 इंच पर यहाँ पर देखिए इस तरह हमें निशान लगाना है। यहाँ से 1 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे हम। अब यहाँ से हम एक अच्छी सी बाजू का शेप देंगे। जो भी आपकी बाजू गोल रेंज, यहाँ पर देखिए एक भाग 6 इंच बाजू गोल रेंज के लिए हम निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बाजू की कटिंग हो गई है। इसे खोलकर 1/2 इंच हम गहराई के लिए कट करेंगे और गुणित का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर बाजू कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये रहा हमारा हुक पट्टी, आई पट्टी। अब देखिए इस कपड़े को और भी करते हुए हम 1/4 इंच चौड़ी और भी पट्टी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और भी पट्टी निकल चुकी है। तो यहाँ पर सभी पार्ट अच्छे से हमारे कटकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।